अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मेरे नए व्लॉग के साथ खुश आमदीद। अभी हम हरिपुर शहर से निकले और हवेलिया इंटरचेंज की तरफ जा रहे हैं और हमारा आज का रूट प्लान है हवेलिया इब्टाबाद इंटरचेंज पर हवेलिया शहर की तरफ मुड़ जाते हैं और हवेलिया से कियाला रोड पकड़ते हैं जो हमें सीधा सज्जी कोट और अम्ब्रेला वाटरफॉल पहुँचाती है। यहाँ पर आने के लिए आप शाह मकसूद इंटरचेंज पर भी उतर सकते हैं और हवेलिया की तरफ आ सकते हैं। हज़ारा मोटरवे पर आप मौसम गर्मा में जब भी सफ़र करें तो आपको बहुत ज़्यादा टूरिस्ट देखने को मिलते हैं, क्योंकि हज़ारा मोटरवे शमाली इलाका जात के दरवाज़े के तौर पर भी खिदमत फराहम करता है, जो ना सिर्फ आपको मानसहरा इब्टाबाद बल्कि नारान, कागान और गिलगित बल्तिस्तान भी बआसानी और कम समय में पहुँचाती है। दोस्तों, यह है खूबसूरत कियाला रोड, जो कि लश ग्रीन वैलीज और ख़ूबसूरत पहाड़ों से होते हुए आपको सज्जी कोट और अम्ब्रेला वाटरफॉल ले जाती है। इस रोड पर ड्राइव करने का बहुत मज़ा आता है। ये बिल्कुल घूमती हुई सड़क है और आराम से आपको पहाड़ों के ऊपर ले जाती है। कियाला रोड पर आपको बहुत से टूरिस्ट स्पॉट्स मिल जाते हैं, जिनमें दो मशहूर अम्ब्रेला वाटरफॉल और सज्जी कोट वाटरफॉल है। अभी हम सज्जी कोट पहुँच गए हैं। सज्जी कोट वाटरफॉल की खूबसूरती सच में दिल बहलाने वाली है। इसके टॉप पे एक छोटा सा डंडसा बना हुआ है जिसमें पानी जमा होता है और वो जमा होकर फिर नीचे बहता है, जिससे हमें एक खूबसूरत वाटरफॉल देखने को मिलता है। मुझे अपने ड्रोन कैमरे से इस जगह को कैप्चर करने में बहुत मज़ा आया। इतने बड़े आबशार को देख के बंदा सोचता है कि इतना सारा पानी आ किधर से रहा है, लेकिन ये एक्चुअली एक छोटा सा नाला है जिससे इतना बड़ा आबशार बनता है। ये जगह पिकनिक के लिए बहुत बेहतरीन स्पॉट है, स्पेशली अगर फैमिली साथ हो। अब सच्ची कोट से निकलकर हम अम्ब्रेला वाटरफॉल की तरफ जा रहे हैं, जो कि 15-20 मिनट का ही सफ़र है। सच्ची कोट वाटरफॉल वाकई में कमाल की जगह थी। अब देखते हैं ये अम्ब्रेला वाटरफॉल कैसी जगह है, क्योंकि ये इलाका मशहूर अम्ब्रेला वाटरफॉल के लिए है और ज़्यादातर टूरिस्ट वहाँ पर जाकर रुकते हैं। अभी तक तो इस रोड पर चलकर बहुत मज़ा आ रहा है, बहुत ही पुरसकून जगह है। मुझे लगता है हम अम्ब्रेला वाटरफॉल पहुंच गए हैं या पहुंचने वाले हैं। मेरे ख़्याल में या किसी से पूछना पड़ेगा, हम भी पहली दफ़ा यहाँ पर आए हैं और हमें भी कोई आइडिया नहीं है
एग्जैक्टली ये है पूना, इंडिया वाली नहीं, पाकिस्तान वाली पूना। आई थिंक यहाँ से नीचे जाना पड़ेगा क्योंकि ज़्यादातर गाड़ियाँ नीचे की तरफ से ही आ रही है, और साथ में वो भाई ने नीचे की तरफ इशारा भी किया। अभी तक हम पहाड़ पे ऊपर की तरफ आ रहे थे लेकिन अब नीचे जाने लगे। दोस्तों अब हम पूना के बाज़ार और पार्किंग एरिया में पहुंच गए हैं, तो यहाँ से कहीं पे अभी अपनी गाड़ी आराम से पार्क करते हैं। इस जीप के पीछे ही गाड़ी लगा देता हूँ, वापसी पे आराम से गाड़ी निकाल पाएंगे क्योंकि आगे बाज़ार बहुत तंग है और बहुत ज़्यादा रश भी है। यहाँ से बाकी का सफ़र पैदल है। अगर खाने पीने के लिए कुछ ले जाना हो तो इसी बाज़ार से ख़रीद लीजिए क्योंकि नीचे फिर कुछ नहीं मिलता। अब यहाँ नीचे हमें ट्रैकिंग करके जाना पड़ेगा। यहाँ से तो बहुत खूबसूरत लग रहा है। अम्ब्रेला वाटरफॉल की तरफ ट्रैक करना सिर्फ मंजिल तक पहुँचने के बारे में नहीं है बल्कि ये ख़ुद सफ़र के बारे में है, मनाजर, आवाज़ें और एहसासात जो आपके साथ सफ़र की राह में होते हैं। ये नेचर से जुड़ने और जिस्मानी तौर पर ख़ुद को परखने का मौका है क्योंकि ये एक बहुत ही गहरी उतराई है। लिहाजा अगर आप फैमिली के साथ आए तो अपने बच्चों और बुज़ुर्गों का ख़ास ख्याल रखें। ट्रैकिंग के दौरान आप बहुत से तंग और स्लिपरी जगह से गुजरेंगे, लिहाजा तरीके से और एहतियात से नीचे उतरे। जितना आप वाटरफॉल के करीब जाते हैं उतना ही आपको पानी का शोर ज़्यादा सुनाई देने लगता है। बहुत से लोग रस्सी का सहारा लेकर ऊपर चढ़ते हैं क्योंकि वापसी का सफ़र बहुत मुश्किल है। यहाँ से आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि हम कितना नीचे आ चुके हैं। आज बहुत रश है यहाँ पर क्योंकि आज छुट्टी का दिन है और बहुत से टूरिस्ट आए हुए हैं। दोस्तों ये है अम्ब्रेला वाटरफॉल। अम्ब्रेला वाटरफॉल पर पिकनिक करना एक खुशगवार तजुर्बा है। यहाँ पर आप कुदरत की खूबसूरती और लजीज कानों का लुत्फ उठा सकते हैं, ऐसे माहौल में जहाँ सुकून महसूस होता है। खसूसन ये बात याद रखें कि अपने पिकनिक के बाद सफाई करें और अपने पीछे कोई गंद ना छोड़े। कुदरती माहौल का एहतराम करें ताकि अम्ब्रेला वाटरफॉल की खूबसूरती को मुस्तकबिल के सियाहों के लिए महफूज रखा जा सके। इसके साथ हमारा आज का व्लॉग अपने अहतमाम तक पहुंचता है। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि आपको मेरी आने वाली वीडियोस बर वक्त मिलती रहे। तब तक के लिए फ़ी अमान अल्लाह।